हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उबंटू आइकन सॉफ्टवेयर को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उबंटू सॉफ्टवेयर। अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन बी, सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को। तो सिलिकॉन का जो सिंबल होता है वो होता है SI। अगला है, कंप्यूटर डाटा को खालिस्तान में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन ए, सूचना में परिवर्तित करता है। अगला है, सूचना की सबसे छोटी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या होती है? तो ऑप्शन ए, वो होती है बिट। निम्न में से क्या वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक सॉल्यूशन है? तो ये है ऑप्शन सी, क्लिप आर्ट। टेप ड्राइव डाटा को खालिस्तान एक्सेस ऑफर करता है? तो ये करता है ऑप्शन डी, सिक्वेंशियल। निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉग सेवा की सुविधा नहीं देती? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलीग्राम। अगला है, .doc किसका उदाहरण है? तो .doc जो होता है वो होता है एक ऑप्शन सी, एक्सटेंशन होता है। भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 में खालिस्तान द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई थी ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है, कॉलम तथा पंक्तियों के प्रतिच्छेद बिंदु को खालिस्तान कहते हैं? तो ऑप्शन सी, सेल कहते हैं। एक इंप्रेस प्रेजेंटेशन निम्न में से किसका संग्रह है? तो ये है, ये सभी का, आउटलाइनों का, स्लाइडों का और हैंड आउट्स का। निम्नलिखित में से किस मोड में रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केबल रीड। UPI का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया है? तो ऑप्शन ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूजर अपनी पर्सनल फाइल अथवा फोल्डर खालिस्तान में रख सकते हैं? तो ऑप्शन बी, माई डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। अगला है, खालिस्तान एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से PCs, वर्क स्टेशनों और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का संग्रह रखता है? ऑप्शन डी, सर्वर। वेबसाइट के मेन पेज को खालिस्तान कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, होम पेज कहते हैं, होम पेज। अगला है, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा खालिस्तान में स्टोर किया जाता है? तो ऑप्शन डी, क्लिपबोर्ड में। किसी वर्तमान डॉक्यूमेंट में चेंज करने को डॉक्यूमेंट खालिस्तान कहते हैं? तो एडिटिंग कहते हैं। अगला, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में खालिस्तान से संबद्ध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो ऑप्शन ए, वर्क बुक। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन बी, मॉनिटर। बाकी के तीन है, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और माइक्रोफोन। अगला है, उबंटू में रनिंग एप्लीकेशन में लॉन्चर पर खालिस्तान आइकन भी होता है? तो ऑप्शन ए, बैकलिट। अगला है, किसी स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए, टेक्स्ट प्लेस होल्डर। निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइसेज नहीं है? तो ऑप्शन बी, यूनिक्स। बाकी के तीन है, गेटवे, राउटर्स और स्विच। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक खालिस्तान है? तो क्या है? मल्टीटास्किंग OS ऑपरेटिंग सिस्टम। अवांछित ईमेल मैसेज होते हैं? तो ऑप्शन ए, स्पैम।
स्कैनर खालिस्तान स्कैन करता है, तो ऑप्शन सी ए और बी, पिक्चर्स और टेक्स्ट को। क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा मॉडल इंटरनेट पर वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है, तो ऑप्शन सी IaaS। पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है, ऑप्शन ए यूजर अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह से अलाइन होता है, तो ये होता है ऑप्शन डी लेफ्ट। संख्याओं और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है टेक्स्ट को खालिस्तान करने के लिए बी पर क्लिक करते हैं, तो किस पर क्लिक करते हैं, ऑप्शन डी बोल्ड पर क्लिक करते हैं। अगला है वेबसाइट खालिस्तान का संग्रह होता है, तो किसका संग्रह होता है, ऑप्शन सी वेब पेजों का संग्रह होता है, वेब पेज। निम्न में से कौन सा भाग अंकगणितीय कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए ALU। ALU का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CDS का आकार कैसा होता है, तो CDS का आकार जो साइज होता है वो क्या होता है, ऑप्शन सी गोलाकार होता है, कैसा होता है, गोलाकार। अगला टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को खालिस्तान क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं ऑप्शन बी कर्सर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस बार का प्रयोग वेब को नेविगेट करने में होता है, ऑप्शन डी एड्रेस बार। अगला है आइकन्स खालिस्तान होते हैं, तो ऑप्शन बी पिक्चर्स। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की बढ़ती सूची है जिसे खालिस्तान कहा जाता है, तो ऑप्शन बी ब्लॉक कहा जाता है। डाटा के रिट्रीव होते समय डाटा प्रोग्रेसिंग को निम्न में से किस पर दर्शाया जाता है, तो ऑप्शन ए स्टेटस बार। डेस्कटॉप का बैकग्राउंड क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी वॉलपेपर कहलाता है। DTP कार्यों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर है, तो ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर। लॉट के नुकसान है ऑट के IoT के नुकसान क्या हैं, तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, जटिलता सुरक्षा और अनुकूल। स्पेल चेकर को एक्टिवेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी या की का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए F7। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम कितना जूम हो सकता है, तो ऑप्शन डी 400%, 400%। मोजेक एक खालिस्तान है, तो क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का पूरा नाम क्या है, तो CAD का पूरा नाम है ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है CAD का फुल फॉर्म। इनकमिंग मेल्स निम्न में से किस स्थान पर संचित होते हैं, तो ऑप्शन सी इनबॉक्स में। नेफ्ट कब शुरू की गई बैंक की एक सुविधा है, तो ऑप्शन बी वर्ष 2005 में। अगला है किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कितनी विधियां उपलब्ध हैं, तो ऑप्शन डी 3 विधियां। और आज का लास्ट है Ctrl+F संयोग कुंजी का प्रयोग निम्न में से किस कार्य को करने में किया जाता है, तो ऑप्शन बी टेक्स्ट को खोजने में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।